अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों दोस्तों, आज की जो हमारी डिस्कशन है वो है ऑक्सीजन का एक कंपाउंड जिसका नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड। सही है, तो इस हाइड्रोजन परऑक्साइड के हम प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस जिस तरह हम सबकी देखते हुए हैं। सही है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखो भाई, हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो प्रिपरेशन है जिसका फॉर्मूला है H2O2, इसमें हमारे पास ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पहली बात तो -1 होती है। सही है, दूसरी बात हमारे पास ये होता है कि भाई अगर हम इसके थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पे जाएं तो हमारे पास जो एक केमिस्ट था जिसका नाम था थिनर्ड। सही है, यही नाम था गालिबन। सही है, हाँ थिनर्ड, ये हमारे पास पहला बंदा था जिसने हाइड्रोजन परऑक्साइड को बनाया था। सही है, वाज द फर्स्ट हु प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 फ्रॉम सॉरी किस चीज से बनाया था, बाय द एक्शन ऑफ इसने इस्तेमाल किया था डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सही है, बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसने इस्तेमाल किया था ऑन बेरियम परऑक्साइड जिसका फॉर्मूला है BaO2। सही है, और इसको इसने कहा था एंड कॉल्ड इट एज ऑक्सीजनेटेड वाटर। अब ये ऑक्सीजनेटेड वाटर इसने इसको क्यों कहा, इसलिए क्योंकि भैया यहां पे हमारे पास देखो भाई, अगर इस H2O में से मैं एक O हटा दूं तो ये H2O बन जाएगा, H2O2 में से एक O हटा दूं तो H2O बन गया। अब ये H2O मेरे पास क्या है, वाटर। अब इसमें मैं एक ऑक्सीजन ऐड कर रहा हूं यानी मैं इसकी ऑक्सीजनेशन कर रहा हूं, तो ये क्या हमारी वाटर की ऑक्सीजनेशन की है, तो ये सिंपल हम इसको कह सकते हैं ऑक्सीजनेटेड वाटर। सही, अब जरा इसकी प्रिपरेशन पे आते हैं, तो प्रिपरेशन में भैया कहानी कुछ यूं है कि भाई लेबोरेटरी में इसकी कुछ इस तरीके से प्रिपरेशन की जाती है जो कि थिनर्ड भाई साहब ने बताई थी, लेबोरेटरी मेथड कि भाई भैया आप ले लो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम परऑक्साइड। सही है, इन दोनों का रिएक्शन करा दो, तो ये जो आपका बेरियम है ये इसका सल्फेट ग्रुप लेके बेरियम सल्फेट बना लेता है, और साथ ही साथ क्या करता है, ये H2 और O2 आपस में मिलके क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड। सही है, ये थी इसकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन। अब इसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन देख लेते हैं, इंडस्ट्रियल मेथड कि भाई लार्ज स्केल पे इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो इंडस्ट्रियल मेथड में कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें हम एक कंपाउंड इस्तेमाल करते हैं जिसका मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, CH3CH CH3OH। सही है, इसको हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्या कहते हैं भाई, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। सही है, नाम है इसका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सही है, इसके हम ऑक्सीजनेशन कराते हैं, O2 इसमें ऐड कराया, तो ये O2 करता क्या है, एक ये हाइड्रोजन ले लेता है और एक इसका हाइड्रोजन ले लेता है, तो क्या बना H2 और साथ में O2। लेकिन ये जो कंपाउंड बचता है ये कुछ इस तरीके से बचता है कि भाई CH3 C और CH3 और O। सही है, यहां से भी हाइड्रोजन गया, यहां से भी हाइड्रोजन गया, तो मतलब इसका भी एक बॉन्ड खाली हो गया और इसका भी एक बॉन्ड खाली हो गया। सही है, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है और कार्बन 4। सही है, अब ये बॉन्ड और ये बॉन्ड जब आपस में मिल जाते हैं तो ये बना लेते हैं डबल बॉन्ड। सही है, तो कुछ इस तरीके की फॉर्मेशन होती है इंडस्ट्री में हाइड्रोजन परऑक्साइड की। सही है, ये थी इसकी प्रिपरेशन। अब आते हैं जरा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में। सही है, अच्छा भाई तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या है, अच्छा फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जरा।
फिजिकल प्रॉपर्टीज तीन देखेंगे हम। पहली प्रॉपर्टी ये है कि भाई इसकी जो कलर होता है, प्योर हाइड्रोजन परोक्साइड का जो कलर होता है इस पेल ब्लू कलर होता है, सही है। और ये हमारे पास लिक्विड शक्ल में होता है, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी, व्हेन इट मिक्सेस विद वाटर, जब इसको पानी के साथ मिलाया जाता है, व्हेन इट मिक्सेस विद वाटर इट गिव्स स्लाइटली एसिडिक सॉल्यूशन, इससे जो सॉल्यूशन बनता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, थोड़ा एसिड की तरफ इशारा कर रहा होता है, स्लाइटली एसिडिक सॉल्यूशन। हाइड्रोजन परोक्साइड जब हमारे पास वाटर के साथ मिक्स कराया जाता है तो इससे जो सॉल्यूशन बनता है वो हमारे पास स्लाइटली एसिडिक होता है। इसका हमारे पास चूंकि लिक्विड है, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज ₹150°C एंड, और ये जम जाता है, फ्रीज हो जाता है एंड फ्रीजेस एट -0.9°C, सही। ये थे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब आते हैं जरा इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में तीन हेडिंग्स हम डालेंगे। पहला हेडिंग तो हमारे पास होगा डिकम्पोजिशन, सही, कि इसकी डिकम्पोजिशन कैसे होती है। चूंकि ये एक बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड होता है हाइड्रोजन परोक्साइड, तो ये डिकम्पोज हो जाता है यानी टूट जाता है। तो H2O2 जब टूटता है, जब इसको एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं तो ये हमारे पास जो है एक डिकम्पोज हो जाता है। जब डिकम्पोज होता है तो इससे दो कंपाउंड बनते हैं, एक बनता है वाटर एक बनता है ऑक्सीजन। रिएक्शन को बैलेंस कराने के लिए मैं जरा यहाँ पे 2 लगा देता हूँ और यहाँ पे 2 लगा देता हूँ, चार हाइड्रोजन चार ऑक्सीजन और दो चार ऑक्सीजन। दूसरी जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है वो है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है भाई, ये दूसरे को रिड्यूस करेगा, क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, सही है। इसमें हम दो रिएक्शन देख लेते हैं। पहली रिएक्शन इसके देखते हैं, पोटेशियम आयोडाइड, एसिडिक पोटेशियम आयोडाइड, यानी इसमें एसिड भी है तो यानी H2SO4 है, सही है। इसके साथ H2O2 की रिएक्शन देखते हैं। तो इसके साथ H2O2 को जिस तरह से रिएक्शन करता है कि भाई पोटेशियम जो है वो बना लेता है पोटेशियम सल्फेट, सही है, हमारे पास बनता है इसके अलावा वाटर, सही है, और एक और कंपाउंड बनता है हमारे पास आयोडीन। बात समझ आई कि नहीं, सही है। इसमें इसकी रिएक्शन किस तरह से होता है कि भाई पोटेशियम आयोडाइड को सल्फ्यूरिक एसिड और जब हाइड्रोजन परोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये बना लेगा पोटेशियम सल्फेट वाटर और आयोडीन, सही है। अब इसमें इसकी रिडक्शन कैसे हुई कि भाई अल्लाह आपका भला करे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, खुद को रिड्यूस करता है, सही है। तो खुद को इसने रिड्यूस किया, रिड्यूस करने का मतलब क्या है, अपने आप से एक ऑक्सीजन हटा देगा, ऑक्सीजन का हटाना मतलब रिड्यूस करना होता है। तो ये देखो इसने अपने आप को क्या किया, रिड्यूस किया और इसको ऑक्सीडाइज किया, ऑक्सीजन की एडिशन हुई यहाँ पे, सही है। अच्छा भाई दूसरे इसका रिएक्शन देख लेते हैं सल्फर के साथ, सही है, सल्फर नहीं है हमारे पास बल्कि हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। अच्छा इस रिएक्शन को तो बैलेंस किया ही नहीं हमने, तो इसको बैलेंस कुछ इस तरीके से कर लेते हैं कि दो पोटेशियम और दो आयोडीन है तो टू आ जाएगा, सही है, बाकी हाइड्रोजन दो चार, वहां पे कितने हैं, दो है तो यहाँ पे टू लगाना पड़ेगा, वहां दो ऑक्सीजन, यहाँ पे तो गपला है भैया, चेक कर लेते हैं, नहीं बल्कि सही है, चार ऑक्सीजन और दो ऑक्सीजन, तो कितना हो गया, छह ऑक्सीजन, चार और दो छह, हाइड्रोजन दो मेरे ख्याल से बैलेंस हो गया, सही है। हाँ ये रिएक्शन हमारे पास बैलेंस हो गई।
दूसरी जो इसकी रिएक्शन है वो देखते हैं हम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, H2S प्लस H2O2। तो हाइड्रोजन परोक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड की रिडक्शन करता है, और रिडक्शन कुछ यूं करता है कि सल्फर को अकेला छोड़ देता है और साथ में वाटर की फॉर्मेशन कर देता है। सही है, यही रिएक्शन है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो दूसरे को क्या किया इसने, रिड्यूस कर दिया। अच्छा भाई सॉरी, दूसरे को इसने ऑक्सीडाइज कर दिया, बार बार गलत मुंह से निकला जा रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, और ऑक्सीडेशन का मतलब मैंने आप लोगों को बताया कि भाई हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन को इसने हटा दिया यहाँ से, तो यहाँ पर सल्फर क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। अच्छा भाई तो इस रिएक्शन को भी बैलेंस कर लेते हैं, दो हाइड्रोजन चार हाइड्रोजन यहाँ पे टू लगा देते हैं और दो ऑक्सीजन, रिएक्शन बैलेंस हो गया। अच्छा भाई दो केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई, तीसरी इसकी जरा केमिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं, एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये हमारे पास एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी इस्तेमाल किया जाता है। एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, सही है, रिड्यूसिंग एजेंट में हम इसकी रिएक्शन कराते हैं पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, सही है, KMnO4 जो कि एसिडिक सॉल्यूशन में इसकी रिएक्शन कराते हैं, H2SO4 एसिड भी हमारे पास शामिल होगा और H2O2। इसके रिएक्शन से हमारे पास बनता है कि ये पोटेशियम इससे सल्फेट ले लेता है तो बना लेता है K2SO4, ये मैंगनीज भी इससे सल्फेट ले लेता है तो ये बना लेता है MnSO4, साथ में वाटर और साथ में ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन करते हैं। सही है, साथ में वाटर और ऑक्सीजन गैस की भी फॉर्मेशन करता है। अब जरा इसको बैलेंस कर लेते हैं। देखो भाई यहाँ पे हमारे पास कुछ ज्यादा ही एलिमेंट है, हम इसको इस तरह से बैलेंस कर देते हैं जैसे हम 9 क्लास में करते हैं कि भाई पोटेशियम कितने हैं, एक है, मैंगनीज कितना है, एक है, सल्फर कितना है, एक है, सही है, और क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन कितना है, चार है, दो और दो चार, और ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, चार चार आठ और दो दस, तो यानी 10 टोटल ऑक्सीजन है। सही है, इस तरह से यहाँ पे भी इसी सीक्वेंस से लिख लेते हैं KMnSHO। सही है, मैं चाहूँ तो इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूँ लेकिन डायरेक्ट में आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, मैं इसीलिए करा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो। सही है, तो पोटेशियम यहाँ पे दो है, मैंगनीज एक है, सल्फर एक दो है, हाइड्रोजन कितने है भैया, दो है, दो ही है ना, हाँ भाई, और ऑक्सीजन दो तीन, तीन चार सात, सात चार ग्यारह। सही है, अब जरा इसको बैलेंस करते हैं, अगर मैं पोटेशियम को दो करूंगा तो मुझे यहाँ पे दो लगाना पड़ेगा। सही है, इससे पोटेशियम भी दो हो जाएंगे और मैंगनीज भी दो हो जाएगा, ऐसा है क्या, नहीं है, लेकिन साथ साथ ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 2 × 4 = 8 हो जाएगा। सही है, सॉरी ऑक्सीजन 10 है ना, तो 2 × 4 = 8, 8 × 4 = 14, 12, 12 × 2 = 14। सही है, तो यानी यहाँ पे ऑक्सीजन 14 हो जाएगी। सही है, अच्छा भाई हाइड्रोजन पे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करना चाहूं तो मुझे इसको, अच्छा हाइड्रोजन को भी देख लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस करना चाहूं तो मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा। सही है, और साथ में दो ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, 4 × 4 = 8, 8 × 4 = 12, तो यहाँ पे 12 ऑक्सीजन हो गए। सही है, अभी भी ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है तो क्या करना पड़ेगा। अच्छा भाई मैंगनीज को भी 2 करना है ना, तो यहाँ पे मुझे 2 लगाना पड़ेगा, बात समझ आ रही है कि नहीं, तो यहाँ पे अगर मैं 2 लगाऊंगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 2 मैंगनीज 2 सल्फर, हाँ 3 सल्फर हो गए। सही है,
और क्या हो जाएगा, तीन सल्फर और टू फोर जा एट, आठ, टू फोर जा एट, आठ दो दस, दस दो बारह, बारह चार चौदह, सही है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, सल्फर को बैलेंस करना है, सही। अब देखो सल्फर के चक्कर में हमारा फिर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन खराब हो जाएगा, तो तीन सल्फर कर दिए। अब देखो हाइड्रोजन फिर कितने हो गए, थ्री टू जो सिक्स, छह हाइड्रोजन और दो आठ हाइड्रोजन, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया आठ हाइड्रोजन। अब वहां पे इसको आठ हाइड्रोजन बनाने के लिए मुझे यहाँ पे लाजमी सी बात है फोर लगाना पड़ेगा, सही है। तो आठ हाइड्रोजन, लेकिन ऑक्सीजन कितने हो गए, अच्छा यहाँ पे भी ऑक्सीजन तो चेंज हुए है ना, तो यहाँ पे आठ ऑक्सीजन ये और तीन फोर जो ट्वेल्व, तो आठ चार सॉरी आठ और बारह बीस, सही है। यहाँ पे आठ ऑक्सीजन है, यहाँ बारह ऑक्सीजन है, तो ये बीस और यहाँ पे दो, तो बाईस ऑक्सीजन हो गए टोटल, सही है। ये बड़ी बड़ी रिएक्शन को ना जो बैलेंस करते तो इसमें बड़ा घपला हो जाता है, सही। अब चार तो मैंने यहाँ लगा दिया हाइड्रोजन को चार करने के लिए, अब जरा ऑक्सीजन की काउंटिंग कर लेते हैं, ये चार यहाँ आठ यहाँ चार, तो ये कितना हो गया, आठ चार बारह, बारह चार सोलह। अब 16 से 22 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मतलब कितना ऐड करना पड़ेगा, 6 ऐड करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे 3 लगा देता हूँ, तो यहाँ 6 हो गए, तो 6 4 10 18 22, ये भी 22 हो गए, तो 22 ऑक्सीजन 22 ऑक्सीजन 8 हाइड्रोजन हो गए ना, यहाँ पे 4 लगा दिया, 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, 3 सल्फर 3 सल्फर, 2 मैंगनीज 2 मैंगनीज, 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम, तो ये रिएक्शन हमारे पास बैलेंस हो गया, सही है। इस तरीके से अगर आप बैलेंस करोगे तो आसानी से बैलेंस हो जाएगा, नहीं तो रिएक्शन के अंदर ही करते रहोगे तो परेशान हो जाओगे, सही है। और अगर बैलेंस रिएक्शन याद करके चले जाओ तो वो तो और भी अच्छा होता है, सही है। इस तरीके से इसकी रिएक्शन हम देखते हैं क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ ये हमारे पास बना लेता है भाई हाइड्रोजन सीएल के साथ मिलकर बना लेते हैं एचसीएल और प्लस ऑक्सीजन गैस, सही है। इसी तरीके से बनता है, तो बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पे टू लगाना पड़ेगा, सही है, क्योंकि दो हाइड्रोजन दो सी एल, दो हाइड्रोजन दो सी एल, दो ऑक्सीजन, यहाँ बैलेंस हो गया। अब सर आते हैं इसके यूजेस पे, ये केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ खत्म हो गई। अच्छा भाई अब सर आते हैं इसके यूजेस पे, तो हाइड्रोजन परोक्साइड के ये हमारे पास पांच यूजेस हैं। एक पहला यूज क्या है कि भाई इसको एज एन एंटीसेप्टिक भी इस्तेमाल किया जाता है इन क्लीनिंग वाउंड्स, सही है। जैसे कि अगर कभी आपने देखा हो जब चोट लगती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो कुछ डिटोल इस्तेमाल करते हैं, कुछ क्या इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक दवाई ऐसी होती है जो कि बिल्कुल सफ़ेद दवाई होती है, पानी जैसा कलर होता है, उसको जब जख्म पे डालते तो वो झाग झाग बनने लगता है, सही है। तो वही हमारे पास होता है हाइड्रोजन परोक्साइड, सही। उसको जख्म साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जख्म में जितने भी बैक्टीरिया जरासीम वगैरह उनको मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और वो चीज़ जिसको जो जरासीम बैक्टीरिया वगैरह को मारे उसको एंटीसेप्टिक भी कहा जाता है, सही। तो हाइड्रोजन परोक्साइड को एज एन एंटीसेप्टिक भी इस्तेमाल किया जाता है। इसको इस्तेमाल किया जाता है अनवांटेड कलर हटाने के लिए, जिस तरह जैसे जैसे अगर कोई कलर नहीं चाहिए हो, जिस कलर को हटाना हो तो उस कलर को मिटाने के लिए, किसी भी कलर को मिटाने के लिए, बालों से कपड़ों से जिस कलर को भी मिटाना हो तो उन कलर को मिटाने के लिए हमारे पास हाइड्रोजन परोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। इसको एज अ ब्लीचिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाता है, हाइड्रोजन परोक्साइड इज यूज्ड सही एज अ ब्लीचिंग एजेंट, सही। ब्लीचिंग एजेंट उसी को कहते हैं जो कि अनवांटेड यानी वो कलर को हटा दे जिसको हमें जरूरत नहीं हो, जैसे हमें किसी कलर की जरूरत नहीं उसको हमने हटा दें तो हम हाइड्रोजन परोक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है। दूसरी चीज, तीसरा यूज इसका ये है कि भाई लिक्विड हाइड्रोजन परोक्साइड को आप रिस्टोरिंग पेंट्स में भी इस्तेमाल कर सकते हो, पेंट को रिस्टोर करना। अब ये क्या चीज है, हमारे पास एक पेंट होता है व्हाइट लेड पिगमेंट, व्हाइट लेड पिगमेंट, इसकी कहानी जरा समझा देता हूँ, बुक में ये एग्जांपल लिखा हुआ है, आपको एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप इतना जुमला लिख सकते हो। व्हाइट लेड पिगमेंट एक ऐसा पेंट होता है जिसमें आपके पास व्हाइट कलर होता है, सही है। इसमें आपके पास मौजूद होता है लेड कार्बोनेट, ये लेड कार्बोनेट जब एटमोस्फेयर में आ जाता है, एटमोस्फेयर कहां पे आ जाता है, एटमोस्फेयर, तो एटमोस्फेयर के हाइड्रोजन डाइसल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके ये
ये बना लेता है लेड सल्फाइड, सही, जो कि ब्लैक कलर का होता है। अब व्हाइट कलर से क्या हो गया, ब्लैक कलर का हो गया। फिर हम इसकी ट्रीटमेंट कराते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ। जब इसकी ट्रीटमेंट कराते हैं तो ये बना लेता है लेड सल्फेट और इसका व्हाइट कलर रिस्टोर हो जाता है, इसका व्हाइट कलर दोबारा से आ जाता है, सही। लेड कार्बोनेट होता है एटमॉस्फेयर के हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से, इसका कलर क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, सही। और ब्लैक होने ब्लैक क्यों होता है, क्योंकि लेड सल्फाइड बनने की वजह से। फिर इसकी ट्रीटमेंट कराई जाती है H2O2 के साथ, जो बना लेता है लेड सल्फेट और इसका व्हाइट कलर, जिसकी वजह से वापस आ जाते हैं, सही है। इसको हम एज अ फ्यूल भी इस्तेमाल करते हैं। फ्यूल के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन देता है और ऑक्सीजन से हम फ्यूल को बर्न करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सही है। तो लिक्विड H2O2 इज यूज फॉर प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन फॉर बर्निंग फ्यूल इन स्पेस रॉकेट्स, सही है। स्पेस रॉकेट में फ्यूल को जलाने के लिए ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, और डीजल ऑयल को जलाने के लिए भी ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, लेकिन ये किसमें, सबमर्ज सबमरीन से, जो समुद्री कश्तियां होती है उसमें, सही है, समुद्री जहाज वगैरह। आखिरी जो इसका यूज है कि भाई इसको सोडियम क्लोरेट के बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है और कुछ ऑर्गेनिक परऑक्साइड्स के बनाने में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, सही है। तो आज तक आज के लिए हमारी ये जो डिस्कशन थी वो हाइड्रोजन परऑक्साइड पे थी, तो इतनी ही काफ़ी है, हाइड्रोजन परऑक्साइड थी क्योंकि बुक में ही इतनी ही है, सही है। अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा। इसकी तैयारी करते रहें, इसके नोट्स बनाएं, सही है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।